तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हर्षा चोपड़ा। दोस्तों आईसीआर का थर्ड राउंड अलॉटमेंट लिस्ट आ चुका है, आप इसका अभी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। एज पर प्रोग्राम दो इनके राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और थर्ड राउंड का अलॉटमेंट 17 तारीख को शाम 5 बजे आ गया था। इसके बाद में जो इसकी रिपोर्टिंग है, यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, कोर्स फीस जमा करनी है और फिर वहाँ से एडमिशन लेटर लेना है, तो वो 18 से लेके 22 अगस्त 2019 ऑफिस टाइम में आप ले सकते हैं वहाँ से। इसके बाद में आपने जब इसका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है तो इसकी वेबसाइट ICRExam.net पर जाना है। उसके बाद में वहाँ से लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद में अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में दिए हुए टाइम 18 से 22 तक यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करनी है। थर्ड ये आईसीआर के ओनली 3 राउंड ही हैं, जैसे ही ये थर्ड राउंड खत्म हो जाता है और जो सीटें वैकेंट रह जाती हैं वो इंस्टीट्यूट लेवल की सीटें रहेंगी। बाद में उन पर इंस्टीट्यूट का राइट है, वो उस पर काउंसलिंग करवाएगा, वही उस पर एडमिशन लेगा। इस बार आईसीआर के थर्ड राउंड तक ही काउंसलिंग है, पिछली बार सिर्फ 2 ही राउंड हुए थे, इस बार 3 राउंड हैं। तो जैसे ही ये राउंड खत्म हो जाएगा वैकेंट सीट रह जाएंगी, जिस जिस इंस्टीट्यूट में जितनी वैकेंट सीट रहेंगी वो उनकी सीटें ही मानी जाएंगी, उस इंस्टीट्यूशन की सीटें ही मानी जाएगी और वो उस पर एडमिशन लेने का राइट उसी इंस्टीट्यूशन का रहेगा। तो दोस्तों ये जानकारी थी आईसीआर के बारे में। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।